हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। साथियों, इसके पहले हमने प्रश्नावली 3.1 के 3 सवाल तक पूरी कर दिए थे। अब चलिए चौथी सवाल हम बताते हैं आपको। तो निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं? पहला है x प्लस वाई बराबर 5, दूसरा है 2x प्लस 2y बराबर 10। तो साथियों, हम सबसे पहले लिखेंगे हल। हल उसके बाद फिर अब क्या हम तुलना पहले कर लेते हैं। इसमें क्या है, पहले हम समीकरण लिख दें x प्लस वाई बराबर 5। लिखेंगे क्या समीकरण, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0 से तुलना करने पर इतना लिख लिए। और देखो, जब तुलना करेंगे क्या आएगा, यहाँ x है तो एक मान लिया जाएगा। तो लिखो a1 = 1, अब b1 = यहाँ कोई नहीं तो एक मान लिया जाएगा, और c1 = आएगा 5। इतना हो गया साथियों। वैसे हम इसका भी लिख लेते हैं। चलिए, समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 10। फिर लिखो समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 से तुलना करने पर। तो साथियों, अब क्या आएगा, a2 = देखो x से x कटा कटा ना, तो a2 = 2 और y से y कटा, b2 = 2 और c2 = 10 यानी 10। तो हम सूत्र क्या होता है, फिर a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2। इतना लिखने के बाद फिर हम यही रख देंगे। देखो a1 = 1, 1/2 यहाँ पे 2 बराबर, फिर 1/2 बराबर यहाँ 5 है, c1 की जगह 5 है और c2 की जगह 10 है। इतना हो गया। तो 5 × 5 = 10, तो बराबर यहीं पे लिख देंगे लगाकर। देखो 1/2 = 1/2 = 1/2। इतना हो गया साथियों। तो देखो ये मान जो है ये क्या कहलाता है, संगत कहलाएगा, संगत। जब संगत आ गया तो संगत का ग्राफ बनता है। तो ग्राफ कैसे बनेगा मैं आपको बताऊंगा बहुत सिंपल तरीके से। अब लिखो समीकरण फर्स्ट से। फर्स्ट कौन है, समीकरण ये है फर्स्ट। तो लिखेंगे क्या, x + y = 5। उसके बाद फिर अब इस पर मान रखा जाता है, सारणी बना के मान रखा जाएगा। जैसे हम पहले समीकरण के लिए सारणी बना लेंगे, पहले के लिए सारणी देखो हम ऐसे बना लेते हैं। वैसे होता 3-3 है, लेकिन हम 2-2, ताकि आपको समझ में आए, कम समय में आप वहाँ कर पाओ। देखो सारणी हम बना लेते हैं। इसमें सारणी में क्या होता है, फर्स्ट के लिए सारणी है तो यहाँ पे x और यहाँ पे y। तब साथियों क्या हो जाएगा, हम x में क्या रखेंगे, 0 रख देंगे। तो यहाँ पे देखो 0 रखोगे तो क्या आएगा, y = 5, इसलिए 0 गायब होगा, इसलिए y = 5 देखो आ गया ना। तो y का मान आ गया 5। अब फिर हम क्या रखेंगे, यहाँ हम 5 रख देते हैं, यहाँ जब 5 रखेंगे, अब फिर चलिए हम करते हैं, दो बार करते हैं, x + y = 5। तो फिर x के स्थान 5 रखो, 5 + y = 5, इसलिए y = 5 तो पहले मौजूद है, जब a प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y = 0। देखो 0 आ गया ना, 0 यहाँ रख दो। चलो पहले की सारणी कंप्लीट हो गई। अब इसी तरह समीकरण 2 की सारणी बनाइए। अब लिखो सेकंड से क्या है, सेकंड कौन है, सेकंड ए है। लिखो क्या है, 2x + 2y = 10। तो हम इसकी भी सारणी बनाएंगे। चलो इसकी सारणी हमें यहाँ बना देते हैं, तो यानी x y दो मान के लिए हम सारणी बनाएंगे, x y। तो अब क्या हो जाएगा, अब इसके स्थान पर रखिए। चलिए अब लिखो, तो पहले हम एक रख दें, लिखो x बराबर
यक्ष समीकरण दो के लिए है, यलो दो के लिए, यक्ष बराबर क्या रख दे, एक रखने पर, एक रखने पर यानी यक्ष कमाने का रखेंगे, एक रखे तो देखो अब क्या आता है, एक बराबर एक रखने पर, एक बराबर एक रख, चलो फिर लिख दे, पहले पूरा हम समझा रहा हूँ, बेसिक समझा रहा हूँ, 2y = 10 तो 2 × x के हम चलो एक रख दें, यहाँ एक हो गया प्लस 2y = 10 तो 2 × 9 हो जाएगा प्लस 2y = 10 इसलिए 2y = 10 अब माइन ये 2 है प्लस में इधर जाएगा माइनस में तो 2y = आए क्या 8 इसलिए y = 8/2 2 × 9 = 2, 2 × 2 = 4 2 × 9 = 2, 2 × 4 = 8, 4 आ गया तो y = 4 आ गया। चलो ये पूरा हुआ। अब इस तरह एक मान और रख देते हैं, सेकंड के लिए एक मान और रख देते हैं, अब कि हम रख देते इस मान को अपने से रखना है, ऐसा संख्या रखो कट जाए। चलिए हम रख दें यक्ष बराबर क्या रख दें, 3 रख दें, चलो 3 = 3 रखने पर अगर वाई का मान रखेंगे तो यक्ष मान आएगा, यक्ष का मान रखेंगे वाई का मान आएगा, तो फिर चलो समीकरण लिख लेते हैं, ये 2x + 2y = 10 तब क्या हो जाएगा, देखिए अब 2 × अब 3 है, 3 यहाँ नीचे रख दीजिए यहीं पर, 3 + 2y = 10 और 2 × 3 = 6 हो जाएगा प्लस 2y = 10 इसलिए 2y = 10 - 6 तो 2y = अब 10 + 6 = 4, 4 आ गया तो y = 4/2 = 2 × 2 = 4 तो y = आ गया 2, तो y = 2 आ गया, इसी को जो है मान रखना था तो y का मान 2 आया, तो यहाँ जब 3 रखेंगे x का मान 3 रखेंगे तो y का मान क्या निकला, 2 निकला। देखो अब आ गया, इतना कर लेना है। अब इतना करने के बाद अब साथियों क्या हो जाएगा, अब इसका ग्राफ बनाइए, अब चलिए ग्राफ बनाइए, अब यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, पूरा स्क्रीन शॉट ले लीजिए साथियों, ये समीकरण 2 के लिए सारणी है, ये सेकंड के लिए है सारणी, ये सारणी लिख देते हैं, सारणी सेकंड के लिए, फर्स्ट के लिए थी तो चलो यहाँ भी लिख देते हैं, हाँ फर्स्ट के लिए सेकंड के लिए, अब उम्मीद करता हूँ नोट कर लिए होंगे साथियों। चलिए अब ग्राफ देखिए, ग्राफ है, इसे ग्राफ है, अब ग्राफ में क्या होता है, इधर क्या रहेगा, बीच में सेंटर रहेगा, और जब इधर जाएंगे प्लस का है तो यहाँ पे यक्स, ए यक्स का मान इधर रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा यक्स डैश ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पे वाई रहेगा ऊपर वाई, और नीचे क्या रहेगा, नीचे वाई डैश क्या है माइनस, और वाई प्लस ए प्लस में रहेगा, इधर ए प्लस में इधर माइनस में, तो पहले 0 हो गया तो यहाँ लिखिए 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 6, उसके बाद फिर 7, चलिए यहाँ 7 हो गया साथियों। अब इसी प्रकार से यहाँ के लिए क्या रहेगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे रहेगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 क्योंकि जितना मान हाईएस्ट आएगा सारणी में उससे 1-2 अधिक लेना है। अब देखो इधर क्या रहेगा, ये प्लस में रहेगा, इधर में क्या रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखो इधर से फिर ये भी माइनस रहेगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 तो देखो ऐसे कर दे रहा हूँ, जहाँ अब देख सकते हैं अब साथियों, अब सारणी में जो मान आया था उसी को रखना है, सारणी में क्या क्या आया था फिर एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो सारणी में पहले क्या आया था, ये मान आया था 0, 5, 5, 0, 1, 4, 3, 2 तो क्या करेंगे हम, चलिए लिखेंगे पहले x बराबर
पहले पाँच लिखना है। देखो यहाँ पे 05 तो 0 यहाँ पे रहेगा, 05 यहाँ लिखिए, 5 के सोझे पे आप 05 लिख दीजिए। अब उसके बाद फिर क्या आया था, 14 एक यहाँ पे और 4 यहाँ पे, देखो 1 यहाँ कटेगा 4 यहाँ कटेगा, तो यहाँ पे लिखिए 14 आया था, लिख दो। और फिर 3 इधर से और 2 इधर से, और यहाँ पे लिखिए आप 3 2 3 2 3 2। अब एक बच रहा है साथियों, थोड़ा ग्राफ छूट गया था तो यहाँ तो हुआ था, उसके बाद फिर थोड़ा वीक हो गया। तो आप यहाँ लिख करके उधर 5 से 5 पूरा मिला लेंगे, ऐसे पूरा मिला लेंगे जैसे मिलाया गया है, ऐसे सीधा मिला लेंगे। चलिए मैं मिला दे रहा हूँ, तो ऐसे मिला लेंगे पूरा हो जाएगा ये ऐसे, क्योंकि ये एक के ऊपर एक ऐसे चला जाएगा, तो क्या हो गया संपात। तो साथियों चलिए हम सवाल नंबर 4 का दूसरा समीकरण देखते हैं। x-y = 8, 3x-3y = 16। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, 1, और b1 बराबर हो जाएगा, आगे माइनस है y है तो -1, और c1 बराबर हो जाएगा 8। अब इसी प्रकार से इस समीकरण को देखो, a2 = 3, और b2 = -3। जब तुलना करेंगे समीकरण से तो हो जाएगा फिर c2 = 16। इतना लिख लेना है। लिखने के बाद अब क्या करेंगे, अब सूत्र का मान रखेंगे। सूत्र क्या है, सूत्र है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इतना रख लेना है। a1 की जगह चलिए 1/3 रखिए, अब b1 की जगह पर रखिए -1/-3 बराबर यहाँ पे 8/16 हो जाएगा। 8/ देखो माइनस से माइनस ख़त्म हो गया, अब यहाँ पे क्या, 1 8 * 8 8 × 16 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों तो मिले, देखो 1/3 = 1/3 क्या हो जाएगा, बराबर 1/2, कितना हो गया। अब देखो ये दोनों मिले नहीं मिले तो नॉट इक्वल हो जाएगा, नॉट इक्वल। अब इसे कर दीजिए क्या आंसर हो जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ लिखना है थोड़ा। जब ए करता है तो क्या होता है, असंगत हो गया। अब उसके बाद फिर समांतर रेखाएं लिख सकते हैं आप, समांतर रेखाएं भी लिख सकते हैं, समांतर रेखाएं, यही कर दीजिए साथियों आंसर। उम्मीद करता हूँ इस सवाल में आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 4 का तीसरा पार्ट देखिए। 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। तो सबसे पहले लिखेंगे साथियों हल। अब क्या हो जाएगा, चलिए हम ऐसे कर देते हैं। अब दिखाई दे रहा है, कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है, कैसा है। वैसे अगर पूरा देखेंगे तो सब दिखाई देगा, सब आगे पीछे सब दिखा दिया जाएगा। a1 = 2, अब b1 = आएगा 1, कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, और c1 = आएगा -6। इसी प्रकार से a2 = आएगा क्या, a2 = आएगा 4, अब b2 = आएगा -2, c2 = आएगा -4। इतना लिख लेना है। तो फिर सूत्र क्या है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो a1 जगह 2 है 2 रखिए, a2 जगह 4 है 4 रखिए, बराबर b1 जगह 1 है, अब b2 जगह -2 है, और c1 जगह -6 है, और c2 जगह -4 है, ऐसे लिख लेना है। तो देखिए माइनस से माइनस कट गया ऊपर नीचे, यहाँ क्या आएगा, 2 2 2 4 2 3 6 3 आ गया, और यहाँ पे 2 1 2 2 2 4 1/2, यहाँ पे 1/2, देखो यहाँ पे क्या है, लिख देते 1/2 बराबर फिर 1/-2 = 3/2,
3/2, यहाँ 3/2 दो हो जाएगा। तो अब क्या हो, देखो ये माइनस में प्लस में नहीं मिल रहा है, कट गया। इस तरह से क्या हो जाएगी, जब पहला कटेगा तो प्रतिच्छेद होता है, लिख लो यहाँ। चलो हम इसको पेड़ बंद कर देते हैं, चलिए बंद हो गया। अब क्या होता है, प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखाएं और युग्म क्या होगा, संगत, संगत, यही कर दीजिए क्या आंसर। चलिए भाई नोट कर लीजिए। अब इसी प्रकार से अब सवाल नंबर 4 का चौथा पार्ट क्या है, 2x-2y-2=0, 4x-4y=5। तो अब फिर लिखेंगे, देखो क्या है, 2x-2y-2=0, इसके लिए क्या लिखेंगे हम, देखो साथी वो a1=2 आए, सिर्फ 2, और b1 आए क्या, -2 है, -2, और c1 आएगा -2। इस समीकरण के लिए लिखिए 4x-4y=5। कैसे हो रहा है, वही समीकरण से हो रहा है जो a1x+b1y c1=0 तुलना करने पर उसी से हो रहा है। तो a2 आए क्या 4, अब b2 आएगा -4, और c2 आएगा 5, इतना कर लेना है। तब सूत्र क्या है, सूत्र है a1/a2 b1/b2 = c1/c2। तो a1 जो है कितना लिखूँगे, a1 जो है 2 लिखूँ, 2/2, a2 जो है क्या लिखेंगे, 4 लिखिए। अब उसके बाद फिर b1 की जगह आप क्या लिखेंगे, b1 की जगह पर आप लिख दीजिए -2, अब b2 की जगह पर लिखेंगे -4, और c1 की जगह पर लिखेंगे -2, और c2 की जगह 5। इतना हो गया साथियों। अब क्या हो जाएगा, देखो अब इतना करने के बाद बस वही मान रख देना है। चलो अब इसको काटिए, काटेंगे कैसे, देखो अब क्या है, 2 × 2, 2 × 2=4, अब उसके बाद फिर 2 × 1, देखो माइनस से माइनस कट गया, 2 × 2 और 2 × 2=4, अब ये नहीं कटेगा क्योंकि 2 है यहाँ, 5 है, कटेगा नहीं। तो अब क्या हो जाएगा, देखो अब लिखेगा 1/2 = -2/5, इतना लिख लेना साथियों। अब देखो ये 2 मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला तो क्या करेंगे, ये कट जाएगा, इसे ये कट जाएगा। तो जब चलिए इसको बंद करिए, आयताकार बॉक्स में बंद हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समांतर, समांतर रेखाएं, रेखाएं, युग्म क्या हो जाएगा, असंगत, 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 यही कर दीजिए साथी आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ लेके यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो ये सवाल नंबर 4 पूरी हुई, फिर आगे हम आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो साथियों अब देखिए, 4 का तीसरा जो पार्ट था, इतना करने बाद a1 / a2 b1 / b2 c1 / c2 को मान रखने पर 1/2, फिर 1/-2, 3/2, तो ये मिल नहीं रहा है, माइनस में प्लस में कट गया पहला, जब पहला कटेगा तो प्रतिच्छेद रेखाएं होगी, असंगत हो जाएगा। संगत में क्या होता है साथियों, बनता है क्या, ग्राफ, संगत में ग्राफ बनेगा, असंगत में ग्राफ नहीं बनता, इसलिए चलिए हम बनाते हैं, संगत आ गया, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। चलिए देखिए मैंने ग्राफ खींच रखा है, तो अब ग्राफ बनाते हैं साथियों। तो पहले क्या है, पहले यहाँ सेंटर पे क्या रहे, 0 रखेंगे, यहाँ एक्स, यहाँ क्या करेंगे, एक्स डैश हो जाएगा, यहाँ पे वाई, यहाँ पे नीचे वाई डैश हो जाएगा। तब क्या करेंगे, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे लिख लेंगे। अब उसके बाद फिर ऊपर भी चलिए लिख लेते हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1,
माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन। यहाँ पे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन, ऐसे कर देना है। तो अब साथियों क्या हो जाएगा, पहले हम इसको निकालते हैं। अब समीकरण, अब इसमें आपको मान रखना है। मान कैसे रखेंगे, कोई भी मान रखिए आप। जैसे क्या करेंगे, एक से बराबर कोई जीरो रख दीजिए। देखो एक से बराबर हम जीरो रखने पर एक से बराबर जीरो रखने में, एक से बराबर जीरो लिखो दो गुड़े, फिर क्या हो जाएगा जीरो, जीरो प्लस वाई माइनस छः। तो अब क्या हो जाएगा, देखो जीरो होगा, जीरो दो में गुणा करेंगे जीरो आएगा, प्लस वाई माइनस छः, इसलिए वाई बराबर हो जाएगा, वाई बराबर छः हो जाएगा। तो जो हम सारणी बनेगी यही, चलो सारणी बना लेते हैं, सारणी यही बना लेते हैं, सारणी यही बन जाएगी फर्स्ट की, एक दो। तो एक्स वाई आपने क्या रखा, एक्स बराबर जीरो रखा, जीरो रखा, आया कितना वाई का मान छः आया। अब फिर उसके बाद फिर एक्स बराबर तीन लिखो, एक्स बराबर थ्री रखने पर, थ्री रखने पर लिख लो, रखने पर, रखने पर थ्री रखने पर, थ्री रखने पर क्या आएगा साथियों, तो फिर समीकरण लिख लेते हैं। चलो दो एक्स प्लस वाई माइनस छः बराबर जीरो, इतना हो गया साथियों। अब इसके बाद अब तीन रखेंगे तो एक देखो दो गुड़े तीन प्लस वाई माइनस छः बराबर जीरो। और उसके बाद चलो हम यहाँ तीन रखें, पहले तीन यहाँ रख दीजिए, तो वाई का मान देखो क्या निकल के आता है, यहाँ पर दो तीन छः हो गया, वाई माइनस छः, एक्स वाई माइनस छः, तो वाई बराबर हो जाएगा, वाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे छः माइनस छः, छः माइनस छः हो जाएगा, तो वाई बराबर आएगा जीरो। यानी छः रखने पर वाई का मान जीरो आया, छः माइनस छः बराबर जीरो, इसलिए जब तीन रखे तो क्या आया जीरो आ गया, पहला कंप्लीट हो गया कॉलम। इस तरह से दूसरा समीकरण पर रखिए, दूसरा समीकरण क्या है, तो एक्स बराबर यहाँ पर रख दीजिए क्या, चलो हम फिर जीरो रखते हैं, एक्स बराबर जीरो रखने पर, रखने पर एक्स बराबर जब जीरो रखेंगे क्या आएगा, सारणी हम बना ले पहले, चलो सारणी ए फर्स्ट की सारणी है, अब ये सेकेंड की सारणी है, सारणी भी कंप्लीट करते जाइए आप ऐसे। एक्स वाई, एक्स बराबर अब देखो फोर एक्स माइनस टू वाई माइनस चार, चार बराबर जीरो कर दीजिए, बराबर जीरो, एक्स के साथ जीरो, तो चार गुड़े जीरो माइनस टू वाई माइनस चार, माइनस चार हो गया। अब क्या हो जाएगा, माइनस चार एक्स बराबर टू वाई, यहाँ बराबर जीरो है तो बराबर कर दिए, बराबर चार हो जाएगा। अब यहाँ पे जीरो हो जाए, माइनस टू वाई, माइनस टू वाई बराबर चार, इसलिए माइनस टू वाई बराबर क्या हो जाएगा चार, इसलिए वाई बराबर हो जाएगा चार बटे माइनस दो, दो हो जाएगा। तो दो एकन्नम दो और दो दूनी चार, तो वाई का मान आया क्या माइनस दो। आपने क्या रखा, एक्स बराबर जब जीरो रखा तो वाई का मान कितना है माइनस दो आ गया, तो माइनस दो। अब क्या रखेंगे, अब हम एक रख देते हैं, चलो एक्स बराबर एक रखने पर, एक्स बराबर एक रखने पर, एक रखने पर, रखने पर, तो एक्स बराबर तो फिर समीकरण लिख लेते हैं, फोर एक्स माइनस टू वाई माइनस चार बराबर जीरो, ठीक। अब उसके बाद फिर चलो लिखूँ फिर क्या, चार गुड़े एक माइनस टू वाई, टू वाई बराबर चार, उसके बाद फिर चार का नम चार माइनस टू वाई, टू वाई बराबर चार, चार हो गया, टू वाई बराबर चार, इसलिए माइनस टू वाई है, माइनस टू वाई बराबर यहाँ पे चार पहले से मौजूद माइनस चार, तो माइनस टू वाई बराबर जीरो। अब जीरो आ गया, चार में चार गए कुछ नहीं, जीरो आ गया, माइनस चार वाई बराबर जीरो हो गया। इसके बाद साथियों क्या हो जाएगा,
हाँ यहाँ पे एक चीज़ डिस्टर्ब कर रहा था, तो आप यहाँ जीरो लगा लीजिए, क्योंकि वो गायब हो गए थे। हाँ जी अब छः छः, अब प्लस में माइनस में, हाँ आप सही हुआ कम्बिनेशन। कमेंट कर रहे तो इनके देख दो। इसके बाद फिर 2y = 0, इसलिए y बराबर हो जाएगा। देखो y बराबर क्या हो जाएगा, y इतना लिखने के बाद यहाँ चले आना, y बराबर हो जाएगा 0/-2। जब इसमें भाग देंगे तो y का मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इस तरह से आ गया दूसरा। देखो जब एक रखें यहाँ, x बराबर एक रखें तो y का मान क्या है, 0 आ गया। अब यही मान रखना है उठा के इसमें। चलिए मान रखिए पहले 0 3 पकड़ो, पहले कहाँ 0 3 है, पहले 0 3 यहाँ पकड़िए, 0 3 पहले मान लो यहाँ पे 0 और 3 यहाँ पे, चलो यहाँ पर रख दो 3 जी, पहले 3 है, पहले क्या है 3, 0 6 पहले रखिए, सॉरी 0 6 रखिए, पहले यहाँ 0 0 6 लीजिए, पहले 0 6 यक्स के स्थान पे, चलो यक्स के स्थान नहीं हुए, 0 6 यहाँ रखो 0 6। और दूसरा क्या, 3 0, अब पकड़िए 3 0, यहाँ देखो 3 यहाँ पे 0, 3 0 हो गया इसी की सोचें। अब उसके बाद फिर 3 0 यहाँ यहीं कटेगा, 3 0 यहीं कटेगा, अच्छा यहाँ कटेगा। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, अब 0 2 0 2 कहाँ रखेंगे, देखो यहाँ 0 है, अब -2 है ना, -2 यहाँ पे बैठेगा, लिखो 0 -2 -2 यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 यहाँ यहाँ है 0 1 0 यहाँ पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 0 यहाँ पर रख दीजिए। इस तरह से चलिए हम करते हैं साथियों, चलिए मिला दीजिए अब यहाँ से लेकर, पहले 6 वाला मिला दीजिए जो कटा था, 6 3 वाला मिलाइए, पहले 6 3 वाला भी ऐसे मिलाइए, कहाँ गया, ऐसे। अब उसके बाद फिर यहाँ 2 वाला है, एक कटा है यहाँ पे, कटा था यहाँ, कटा था यहाँ, ऐसे मिलाइए, ऐसे हो गया। अब देख सकते हैं साथियों, देख सकते हैं, देखो ये 2 2 है यहाँ पे, 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी कट गया, ऐसे ऐसे कट गया। तो लिखेंगे क्या, x = 2 y = 2, यही हो जाएगा इसका मान। तो इस तरह से संगत, संगत था, संगत ग्राफ बन गया। चलिए नोट कर लीजिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें किसी प्रकार डाउट नहीं होगा, इसको एक बार वीडियो घुमा के देख लेंगे सही रहेगा। तो साथियों चलिए हम सवाल नंबर 5 देखते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। तो अब लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे साथियों हल, हल क्या है, अब प्रश्नानुसार अब लिखो माना, माना आयताकार, आयताकार बाग की लंबाई, बाग की लंबाई, की लंबाई बराबर x मीटर, x मीटर और चौड़ाई बराबर, चौड़ाई बराबर y मीटर है, y मीटर है। तो कोई बाग है, बाग ऐसे है आयताकार, आयताकार या आयताकार ऐसे, इसकी लंबाई जो है x है और चौड़ाई y है। तो इस तरह से अब देखिए, अब लिखो प्रश्नानुसार अब क्या कहा है, प्रश्नानुसार x + y बराबर क्या हो जाएगा 36, 36 से समीकरण फर्स्ट कर दीजिए,
और उसके बाद फिर सेकंड समीकरण क्या बनेगा, हाँ ये फर्स्ट समीकरण बन गया और सेकंड समीकरण चार अधिक है तो यक्स बराबर वाई प्लस चार, चौड़ाई चार अधिक है, चौड़ाई से चार अधिक, हाँ यक्स वाई प्लस चार, वाई प्लस चार एक समीकरण सेकंड बन गया। इतना बन गया साथियों, अब क्या लिखेंगे, चलो अब इसका जो है ज्ञात कीजिए। अब लिखो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से तो समीकरण फर्स्ट क्या है, यक्स प्लस वाई बराबर छत्तीस, छत्तीस हो गया। अब देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं, कमेंट करिए, कमेंट करा करिए, ना दिखाई दे तो कमेंट कर दिया करो, और नहीं तो अगर वीडियो देखते रहेंगे तो एक बार दिखाई देगा ही, क्योंकि घूमता रहता है ना इस तरह से जो है। चलिए अच्छा देख लीजिए कायदे से, इस तरह से जो है, चलिए दिखाई दे रहा है, अब छत्तीस हो गया। अब यक्स बराबर हम क्या रखें, यक्स बराबर जीरो रखने पर तो जीरो के क्या रखें, यक्स प्लस वाई बराबर छत्तीस, तो जीरो रखेंगे यक्स के स्थान पे, चलो जीरो रख दिए, वाई बराबर छत्तीस, तो वाई बराबर क्या आएगा साथियों, वाई बराबर आएगा क्या, वाई बराबर छत्तीस। तो हम यहीं पे क्या करेंगे, यहीं पे हम सारणी बना लेंगे, चलिए यहीं पर सारणी बना, चलिए यहीं पर सारणी बना लेते हैं, यहीं पर सारणी बना देते, समीकरण फर्स्ट के लिए सारणी है। अब क्या जीरो रखे यक्स वाई, जीरो रखे छत्तीस आया, इतना आ गया छत्तीस आ गया। अब फिर क्या करेंगे, यक्स बराबर, अब लिखो दोबारा हम क्या करेंगे, यहीं पर लग देते हैं, यक्स बराबर क्या छत्तीस रख दीजिए, आपकी छत्तीस रखेंगे, फिर समीकरण फर्स्ट कौन है, यक्स प्लस वाई बराबर छत्तीस, ऐसा मान रखिए कि जो आपको जो है रखने में आसानी हो, छत्तीस प्लस वाई बराबर छत्तीस, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा छत्तीस, आई प्लस में है इधर जाएगा माइनस में छत्तीस, तो वाई बराबर जीरो। आपने क्या किया, एक्स बराबर का मान छत्तीस रखा तो वाई का मान जीरो आ गया है, करेक्ट। अब इसी प्रकार से आप समीकरण सेकंड चलिए करिए, समीकरण सेकंड कौन है, ए वाला है, तो एक्स बराबर वाई प्लस चार, वाई प्लस चार है, हाँ तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप यक्स प्लस वाई, यक्स प्लस वाई, और उसके बाद फिर आप क्या रखेंगे, यक्स प्लस वाई। अब सेकंड सारणी में चलो यहीं पे बना लो सेकंड सारणी, यक्स वाई पहले हम चार, चलिए हम यहीं पे रख देते हैं, यक्स का मान चार रखिए, यक्स बराबर चार रखने पर, तो यक्स बराबर चार रखेंगे, चलो यक्स बराबर वाई प्लस चार, तो यक्स बराबर चार रखिए, यहाँ पर चार बराबर वाई प्लस चार, तो वाई बराबर चार माइनस चार, तो वाई बराबर जीरो आएगा। तो अगर हम चार रखते हैं यक्स मान तो वाई जीरो हो गया। अब हम लिखेंगे क्या है, फिर एक मान कोई रख दीजिए अपने से, यक्स बराबर चलो बारह रख देते हैं, बारह, चलो तो यक्स बराबर वाई प्लस चार, चार, उसके बाद क्या आएगा साथियों, वाई प्लस चार आ गया, तो यक्स का मान बारह, बारह बराबर वाई प्लस चार, इसलिए वाई बराबर आए क्या, वाई बराबर, चलिए प्लस में है इधर भेजिए, चलो ऐसे लिख देते हैं, बारह है, बारह माइनस चार बराबर वाई, बारह में चार गए आठ, तो वाई बराबर आ जाएगा आठ, चलो वैसे वाई बराबर आठ आ गया, चलो लिखो ख़त्म करो इसको। तब क्या हो जाएगा, अब देखिए अगर आप बारह रखते हैं तो यहाँ क्या आया, आठ आया, इतना कर लेना है। इतना ताम झाम करने के बाद चलो हम इसका सेकंड तरीका ही बता देंगे आपको, कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा बताना आप, ये तो होगा देख लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब इसी कमान हमको किस पर रखना है, ग्राफ पर, चलिए ग्राफ पे देखो, ग्राफ मैंने बना रखा है, तो
तो यहाँ पर क्या रहेगा, यक्स, यहाँ पर यक्स डैश, यहाँ पर वाई और नीचे वाई डैश, इतना समझ गए होंगे आप। देखो अब 36, 24, 12 इस तरह आया है, तो जब ग्राफ बनेगा तब उस तरह नहीं बनेगा, 1, 2, 3, 4, अब 4 से बनेगा, 4, 4, 8, 4, 3, 12, 4, 4, 16, 4, 5, 20, 4, 5, 20, 4, 6, 24, 4, 7, 28, 4, 8, 32, 4, 9, 36, 4, 5, 40, अब इधर 4, 8, 12, 4, 16, 4, 5, 20, 4, 6, 24, 4, 7, 28, 4, 8, 32, 4, 9, 36, 4, 8, 40, इतना हो गया साथियों, 40 हो गया। अब नीचे क्या करेंगे, नीचे हम वही करेंगे, देखो नीचे -4, -8, -4, 4, 3, 12, 4, 3, 12, 4, 6, 16, 4, 5, 20, 4, 6, 24, 4, 7, 28, 4, 8, 32, 4, 9, 36, 4, 8, 40, ठीक। अब इधर -4, -8, -12, -16, -20, -24, -28, -32, -36, -40, ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो आपको ज्ञात करना क्या है, अब पहले 0, 36 सारणी आई थी, पहले 0, तो 0 का मान यहाँ यहाँ रहेगा, अब यहाँ 36 यहाँ है, तो 0 रख दीजिए और 36 रख दीजिए, अब 0 किसका मान है, x का मान, और y का मान 36 लिख दे रहा हूँ हम आसानी से। अब उसके बाद फिर 4, 0, 4 यहाँ है, 0 यहाँ, चलो रखो यहाँ पे 4, 0, 4 x का मान है, y का मान हो गया। अब उसके बाद 8, 12, 8, 12, 8 यहाँ बनेंगे, देखो 12, 8, चलो यहाँ पर रखो, क्योंकि 12, 8 भी है ना, 12, 8 कहाँ गया, 12, 8 है यहाँ, इसका हो गया, इसका हो गया। उसके बाद फिर 12, 8, चलिए 8 सोचिए, 12 रखिए, 12 यहाँ 12, अब यहाँ पे 8 रखिए, चलो यहाँ पे 12, 8 रख दूँ, 12, 8, अब 1, 0, 36 बज रहा है, यहाँ पे रख दीजिए लास्ट में 36, 0, 0, 36, 36, 0, 36, 0 यहाँ रख दीजिए, रख दे होंगे। अब इसको साथियों मिला दीजिए सबको, बारह आठ, हाँ अब मिलाइए, चलिए मिलाते हैं। देखो पहले हम 36, 36 मिला दें, देखो पहले 36, 36 कटा है यहाँ पर, 36, 36 मिला दीजिए पहले, छत्तीस छत्तीस मिल गया। अब उसके बाद एक 4 कटा था, एक 4 कटा था यहाँ पे, कटा था ना 4 कटा था, 4 मिलाइए, 4 पे कटा था, तो जहाँ जाएगा देखो ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, 4 पे जाए ऐसे जाएगा, तो कहाँ कटेगा देखो, हाँ 4 है, 4 ए ऐसे कट गया, ऐसे कट गया, 4 ऐसे कट गया, तो इस तरह से जो है लगभग ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे 20 पे कटा, और उसके बाद देखो 16 कटा है, ऐसे ऐसे चला जाएगा, तो इस तरह से क्या हो जाएगा साथियों, तो लंबाई लिखो, लंबाई, लंबाई क्या माने थे, यक्स, यक्स बराबर क्या आएगा 20, और चौड़ाई, चौड़ाई वाई बराबर क्या आएगा 16। इतना ताम झाम करने के बाद चलिए अब मैं इसका सेकंड तरीका आपको बताता हूँ, चलिए सेकंड तरीका देखो, सेकंड तरीका, पहला समीकरण क्या है, यक्स प्लस वाई बराबर 36, और दूसरा ने क्या, यक्स माइनस वाई बराबर 4। अब क्या होता है साथियों, देखो इधर वाई से कट गया, लिखो 2x बराबर 36, 4, 40, इसलिए x बराबर 40/2, 2 × 2 और 20 × 40, x का मान 20 आ गया, यानी x क्या है, लंबाई देखो 20 आ गया ना, यही 20, यहाँ 20,
करेक्ट। अब उसके बाद फिर दोबारा माफ करिए, टू वाई, टू वाई बराबर, अब 36 में चार घटाइए, 36 में चार घटाएँ कितना आएगा, 32 आएगा, 32, इसलिए वाई बराबर, वाई बराबर क्या आएगा, 32 बटे दो, दो एक नम दो, दो और 16 दूनी 32, यानी ऐसे फिर लिख दे रहा हूँ, 32 बटे दो, यानी दो से काटेंगे 16 आएगा, 16 आ गया। इस तरह से जो है अब कंप्लीट हो गया। देखो लंबाई कितनी आई, लंबाई, लंबाई x बराबर आए कितना, 20, और चौड़ाई y बराबर आएगा 16, यही कर दीजिए, यानी मीटर में है तो मीटर ये हम लगा दीजिए, सब में मीटर, यही कर दीजिए आंसर। आपको कौन सा तरीका पसंद है, पहला है दूसरा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, धन्यवाद। साथियों चलिए हम सवाल नंबर 6 देखते हैं। तो एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि नंबर 1 क्या प्रतिच्छेद करती रेखाएं, नंबर 2 समांतर रेखाएं, नंबर 3 समपाती रेखाएं हों। तो एक दिया गया समीकरण, दूसरा समीकरण आपको लिखना है, लिख के दर्शाना है। चलिए लिखे, पहले का हम लिख रहे हैं, पहला का हल लिख रहे हैं। चलिए पहला क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 ये है। अब इसके बाद एक समीकरण और लिखिए, चलो हम कुछ बना के लिख दें, चलो लिखो दूसरा समीकरण लिख दें, 3x प्लस 6y, क्योंकि इसमें बनाना है, ये आना चाहिए, माइनस 2 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा साथियों, तो a1 बटे a2 लिखो, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। देखो a1 कितना निकला था, a1 बराबर डायरेक्ट जल्दी लिख देते, a1 बराबर चलो 2 लिखो, और 3 बराबर b1 कितना है, 3 बटे 6, इसी काट दीजिए आ जाएगा। चलो तो वो लाना है आपको, 3 एक 3 3 2 6, अब ये कटेगा नहीं, तो बराबर क्या हो जाएगा, 2 बटे 3 बराबर 1 बटे 2, तो नॉट इक्वल हो गया, नॉट इक्वल, चलो पहला सही हो गया, पहले का आ गया, लिख लो यहाँ पर, लिख लो प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद पहले का आंसर मिल गया। और उसका चलो दूसरा देख दो, यानी 6 दूसरा पार्ट में फिर लिखिए, ये समीकरण लिख लेना है पहले, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा समीकरण अपने से रखिए, 4x इसी दूना कर दें, चलिए हम दूना कर देते हैं इसका, 3 प्लस 6y प्लस 2 बराबर 0 रखने पर, तो हम क्या करें, a1 बराबर क्या रख दें, 2 लीजिए, b1 बराबर आएगा 3, और c1 बराबर आएगा माइनस 8। अब उसके बाद फिर a2 बराबर आएगा 4, अब b2 बराबर आएगा 6, और c2 बराबर आएगा 2, ठीक। a1 बटे a2 बराबर b1 अपान b2 इजिकल टू c1 अपान c2, इतना लिख लेना है। और लिखने के बाद चलो मान रख दो, चलो तो 2 बटे 4 बराबर 3 बटे 6 बराबर क्या है, c1 8 लिखो, माइनस 8 बटे 2 हो जाएगा, तो 2 एक 2, 2 दूनी 4, 3 एक 3, 3 दूनी 6। उसके बाद यहाँ पे 2 एक 2, 2 चौक 8 क्या हो जाएगा साथियों, अब 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर माइनस 4 बटे 1, देखो ये 2 मिला, ये नहीं मिला तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा। चलिए लिखिए, दूसरा हो गया, इन दूसरे में क्या है, समांतर आ गया, चलो समांतर लिखूं, आंसर। इसके बाद फिर तीसरा पार्ट देखिए, छक तीसरा पार्ट
तीसरा पार्ट। फिर समीकरण क्या लिखिए, समीकरण लिखिए 2x प्लस 3y, यही समीकरण लिखना है। 3y माइनस 8, हाँ माइनस 8 बराबर 0, ये समीकरण है। एक समीकरण हो गया, एक समीकरण आप अपने से रखिए 4x प्लस 3 × 6, इसका दूना कर देते हैं माइनस 16 कर देते हैं, 8 × 16, 3 × 6, 2 × 4 बराबर 0 करिए, बराबर 0 करिए। तो a1 बराबर लिखो, a1 बराबर आए क्या, चलो दिखाई दे रहा है, a1 बराबर आएगा 2, b1 बराबर आएगा 3, और c1 बराबर आएगा माइनस 8, a2 बराबर आएगा, a2 बराबर 4, अब b2 बराबर आएगा 6, और c2 बराबर आएगा माइनस 16। थोड़ा तो सूत्र क्या होगा, a1 बटे a2 बराबर b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। तो a1 कितना है साथियों, 2, a2 कितना है 4, b1 कितना है 3, और b2 कितना है 6 बराबर माइनस 8 बटे माइनस 16। माइनस माइनस कट गया, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। देखो बराबर सब आ गया, तीनों मान बराबर आ गए। जब तीनों मान बराबर आ गए तो क्या हो जाएगा साथियों, जब तीनों मान बराबर आ गए, देखो क्या संपाती रेखाएं, यानी संपाती इसके अनेक हल होंगे, लिखो दो संपाती, संपाती यही आपको ज्ञात करना था, यही ज्ञात हो गया, चलो ठीक है, ऐसे संपाती, संपाती रेखाएं लिख दो, संपाती रेखाएं, इसी करिए आंसर, संपाती रेखाएं। तो साथियों यहाँ तक आप समझ गए होंगे, अब इसके बाद सवाल हम आगे प्रोवाइड कराता हूँ।